ऑलराइट दोस्तों, Vivo X100 Pro एंड Vivo X100 इज इन द हाउस। और मैं एक बात कहूं, पिछले 3-4 महीने से मैं रुका हुआ था जस्ट टू चेक आउट द कैमरास ऑन दिस स्मार्टफोन्स। और एक बात कहूं, जबरदस्त कैमरास हैं। आई मीन सर्टेन चीजों में तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, इतने अच्छे रिजल्ट्स वो दे रहा है, स्पेशली कैमरा। वैसे परफॉर्मेंस, डिस्प्ले वगैरह भी जबरदस्त है, सबके बारे में बताने वाला हूँ। मैं X100 Pro की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एंड X100 में क्या क्या डिफरेंसेस वो बताने वाला हूँ। वैसे आपको एक चीज बता दूं, दोनों में सेम चिपसेट आती है, Dimensity 300, वो भी क्या पावरफुल है। ओ माय गॉड, लेट्स ओपन। ब्लैक बॉक्स है, सिल्वर कलर लेटरिंग है। जी हाँ, ज़ाइस की पार्टनरशिप है एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोर मीनिंगफुल पार्टनरशिप विद ज़ाइस। तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है कैमरास में। फीचर्स जो है ना इस कैमरा के, दैट इज नेक्स्ट लेवल, सीरियसली कह रहा हूं। खुल क्यों नहीं रहा है भाई, लेट्स ओपन। राइट अप फ्रंट फोन, ओके। बॉक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। जी हाँ, ये सबसे पहले सिम कार्ड टूल है, देन दिस इज द ब्लैक केस। जी हाँ, एंड गुड क्वालिटी केस, टेक्सचर भी है वेरी नाइस, डॉक्यूमेंटेशन। ऑलराइट, 120 वॉट का चार्जर है और दोनों में ही दोस्तों, X100 और X100 Pro दोनों में ही 120 वॉट का अडैप्टर मिलता है आपको। लेकिन हाँ, जो सपोर्ट है वो थोड़ा अलग है। और क्या है, कॉम्प्लेक्स पेपर। ओके, चलिए ये रखते हैं साइड में, देखते हैं फोन के पास। ऑलराइट, ये है X100 Pro एंड ये जो है ये है X100। ऑलराइट, लेट्स ओपन। Look at this camera module, huge. क्योंकि इसमें आपको पेरिस्कोप मिलता है, जी हाँ, and that too 4.3x. पेरिस्कोप के बारे में, इनफैक्ट कैमरा के बारे में बात करने वाला हूँ, पहले ही कैमरा के बारे में बात करेंगे। बट इंटरेस्टिंग चीज है Dimensity 9300, ये है ना, दिस इज इवन मोर पावरफुल इन सर्टन एस्पेक्ट्स देन 8 Gen 3। इनफैक्ट अगर मैं GPU के बारे में बात करूं तो GPU जो है नियरली ट्वाइस एज फास्ट एज 8 Gen 3 है। Alright. ब्रश्ड मेटल, लुक एट द डिजाइन। तो ये ब्लू कलर आता है Vivo X100 में एंड ये जो है ये ब्लैक कलर है, लुक एट दैट। और कैमरा मॉड्यूल ये देखिए कितना बड़ा है X100 Pro में। और मॉड्यूल बड़ा होने का रीजन भी है दोस्तों, जो प्राइमरी सेंसर है वो एक 1-inch सेंसर है, Sony IMX989। वैसे इसका जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 megapixel का आता है, 920। ये पहला ही फोन है जिसमें IMX920 है। एंड देन यू हैव 50 megapixel अल्ट्रा वाइड, जी हाँ, एंड 50 megapixel जो 4.3x देता है, ये पेरिस्कोप सेंसर है प्रो में। वैसे इसके अंदर आपको 64 megapixel का मिलता है जो 3x जूम देता है, ऑप्टिकल जूम। सो 50 + 50 + 64 50 + 50 + 50। वैसे अगर कैमरा मॉड्यूल के पास देखोगे तो चार सेंसर लगते हैं, बट नीचे जो है वो बेसिकली लेजर ऑटो फोकस LAF है एंड साइड में आपको इधर LED फ्लैश मिलता है। सो या, इनफैक्ट परफॉर्मेंस और बाकी सब पोर्ट्स बटन उसके बारे में बात करेंगे। बट कैमरा में दोस्तों, आगे सेल्फी में आपको 32 megapixel का सेल्फी सेंसर मिलता है दोनों ही फोन्स में। वैसे दोस्तों, इसमें भी T-Star कोटिंग आती है एंड दैट इज बीन डेवलप्ड विद क्लोज एसोसिएशन विद ज़ाइस। और एक बात कहूं, आप अगर लाइट में भी फोटो खींचते हो तो जो ग्लेयर्स वगैरह होते हैं जनरली सभी स्मार्टफोन फोटोज में आपको दिखते हैं, वो आपको इसमें बहुत ही कम या फिर ना के बराबर दिखते हैं। एंड वैसे मैं लो लाइट के बारे में बात करूं, जो सरप्राइजिंग फैक्टर लगा टेलीफोटो में भी, जो लो लाइट फोटोज ये निकालता है, आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी अदर स्मार्टफोन डू सच गुड टेलीफोटो। मतलब जूम आप कर रहे हो 3x 4x एंड लो लाइट भी है और इतने अच्छे रिजल्ट्स, इतने अच्छे कलर्स वगैरह आते हैं, एक्सीलेंट। स्पेशली Vivo X100 Pro में आई वॉज फ्लोर्ड। एंड लो लाइट में टेलीफोटो में भी इतना अच्छा क्यों निकालता है, क्योंकि एपरेचर बड़ा है, F2.5 है। अगर आप आईफोन का भी लोगे, F2.9 है। S23 अल्ट्रा में भी कुछ 4.0 या 4.5 वगैरह, 4.9 है, आई एम नॉट टू श्योर, बट इट इज द वाइडेस्ट एपर्चर, मतलब सबसे ज्यादा ओपन है, उसकी वजह से लाइट भी ज्यादा आता है। और अगर मैं X सीरीज स्पेशली के बारे में बात करूं, X90 के बारे में भी हमने देखा था, इसमें भी सेम है, पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे निकलते हैं। एंड यस, जूम होने की वजह से 24mm से लेके 100mm तक, 4.3x तक, विच इज 100mm, आप पोर्ट्रेट्स निकाल पाओगे एंड दे कम आउट रियली गुड। मतलब ऐसे लगता नहीं है, 4x पे जब आप निकालोगे ऐसे नहीं लग रहा है कि टेलीफोटो पे आपने ये निकाला हुआ है, जनरली डिग्रेड हो जाती है क्वालिटी, नॉट विद दिस वन, पोर्ट्रेट्स कम आउट ब्यूटीफुल। वैसे बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में, अल्ट्रा वाइड में, नॉर्मल कैमरा के साथ सब फोटोज निकाली हुए, ओरिजिनल क्वालिटी में। जी ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। बट दो तीन चीजें जैसे मैंने कहा स्टैंड आउट होती है, लो लाइट में बहुत अच्छा करता है, कलर्स बहुत अच्छे हैं,
अल्ट्रा वाइड डिसेंट कहूंगा मैं, और जो प्राइमरी 1x का सेंसर है दोस्तों एक्सीलेंट, जो बोका वगैरह आपको मिलता है फोटोज आप जब निकालते हो ब्यूटीफुल। और याद रखिए पोर्ट्रेट मोड में ज़ाइस के जो पोर्ट्रेट मोड्स है अलग अलग वो मिलते हैं, यू कैन क्लिक सम ब्यूटीफुल क्वालिटी पोर्ट्रेट्स। अब दोस्तों वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं, सभी सेंसर से आप 4K 60fps शूट कर पाओगे। और आपको पता है वीवो के X90 में अगर आप देखोगे तो V2 चिपसेट अलग से आई हुई थी, इसमें V3 चिपसेट आती है अलग से। जी हाँ, और वो क्या करती है, एक्सट्रीम नाइट मोड वीडियोज आप निकाल पाओगे, इनफैक्ट सिनेमैटिक वीडियोज भी आप निकाल पाओगे। तो वो जो स्मूथ बैकग्राउंड होता है DSLR टाइप वीडियोज आप इसके साथ निकाल पाओगे। And I'll tell you what, they look really great. और हाँ, वीडियोस में पोस्ट में भी आप फोकस चेंज कर पाओगे। तो आप वीडियोस निकाल रहे हो, सिनेमैटिक वीडियो आपने निकाला, अब आपको लगा कि भाई इधर मुझे पीछे बैकग्राउंड को फोकस मिलाना है, एडिट में आप कर पाओगे। इसमें तो दोस्तों हैंडहेल्ड एस्ट्रो मोड है, मतलब आपको तारे वगैरह निकालने, चांद वगैरह निकालना है, ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है, विद हैंड बिकॉज ऑफ गुड OIS। और फीचर्स, ओ माय गॉड, मतलब टेली मैक्रो मोड है, सो फीचर्स के मामले में क्रेजी। एंड जो भी पोर्ट्रेट, ब्यूटी, प्रो मोड, 480fps स्लो मोशन मोड, सब फीचर्स भर भर के हैं दोस्तों, यू विल नॉट मिस एनी। अब दोस्तों इंटरेस्टिंगली, अब इतनी सारी अच्छी चीजें कही हैं तो एक चीज तो मुझे कहनी पड़ेगी, और ये वीवो को है, 32 megapixel का सेल्फी सेंसर दिया हुआ है, बट 1080p ही शूट कर पाओगे। इधर भी फ्रंट में 4K होना चाहिए था, 4K वीडियोस ऑन सेल्फी आर इंपॉर्टेंट। और हाँ, ऑप्टिकल जूम 4.3x तक है, 10x तक आप अच्छे फोटोज निकाल पाओगे, बट टोटल जूम अगर मैं बात करूं तो 100x तक आप शूट कर पाओगे। यस, तो ये हो गया कैमरा। मुझे लगा कि दीज आर कैमरा सेंट्रिक फोन्स, तो उसके बारे में बात करते हैं। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ वीवो X100 प्रो नहीं, वीवो X100 का भी कैमरा बहुत अच्छा है, इट ऑल्सो क्लिक्स एक्सीलेंट फोटोज सिमिलर टू वीवो X100 प्रो, और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। लेट्स रिमूव दिस। वेरी नाइस, दोनों में ही कर्व्ड ग्लास आती है, वैसे इसमें भी है, इसमें भी है, फ्रंट एंड बैक ऑब्वियसली ग्लास है। जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो पता नहीं है, बट आई थिंक इट विल बी शॉर्ट सेंसेशन, जो भी हो हम गिराने तो वाले हैं, सो लेट्स डू दिस। इसका भी निकालते हैं, दोनों साथ में गिराते हैं, 2 फोन्स एट वन टाइम। वैसे दोस्तों इसके प्राइस के बारे में मैंने बात नहीं की हुई है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले गिराते हैं, एक गिराते हैं, 1, 2 एंड 1, 2 एंड 3। All right, nothing. Dent आ गया, इसको डेंट आ गया दोस्तों हमारे टेबल को, फोन नहीं, absolutely कुछ नहीं हुआ है। अगर प्राइस के बारे में बात करूं तो ये जो है प्रो, दिस इज गोइंग टू कम अंडर 90,000 एंड दिस इज गोइंग टू कम अंडर 65,000। जी हाँ, और इसमें 16GB 512GB यही एक वेरिएंट है, इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, 12256 एंड 16512। लेट्स टॉक अबाउट पोर्ट्स एंड बटन्स। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे आता है, माइक्रोफोन, USB टाइप सी। हाँ, अगर USB टाइप सी के बारे में बात करूं तो इसमें Gen 1 3.2 Gen 1 आता है, इसमें USB 2.0 ही आपको मिलता है। Then you have speaker grill, right hand side में power on off button है, then volume rocker है, ऊपर वो air blaster भी है, noise cancelling microphone भी आता है, and left hand side में कुछ भी नहीं है। वैसे antenna lines दिखते हैं, and दोनों में ही दोस्तों metal frame आती है, तो metal glass sandwich design है। Weight के बारे में बात करूं, this will be 210, 212, 213 grams. 225 grams. मेरा रीसेट हो गया है शायद, 225 grams and this one, ठीक है मैं 10 ग्राम ज्यादा बोलता हूँ जितना बोलने वाला हूँ उससे, सो दिस विल बी 210 grams. मुझे लगा था 200 ग्राम के करीब होगा, तो मैंने 10 ग्राम ज्यादा कहा क्योंकि मैं गलत था, 206.4 206 एंड 225 ग्राम, सो दिस इज ऑन द हेवियर साइड डेफिनेटली। वैसे इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल तो फ्रंट हेवी आपको लगना चाहिए, बट इतना लगता नहीं। वैसे अगर सिम कार्ड के बारे में बात करूं तो ड्यूअल नैनो सिम कार्ड्स लड़ाते हैं, लेकिन एक चीज है दोस्तों, इसमें आपको eSIM का भी सपोर्ट मिलता है, उसमें आपको eSIM का सपोर्ट नहीं मिलता है, ड्यूअल नैनो सिम। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। दोनों में ही सेम डिस्प्ले आते हैं दोस्तों, 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 120Hz LTPO डिस्प्ले है। अगर X90 के बारे में कंपेयर करूं तो डबल से ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ गई, उसमें 1300 nits ब्राइटनेस थी, अब इनमें 3000 nits ब्राइटनेस हो गया, सो इट इज वेरी ब्राइट। बेजल्स एब्सोल्युटली बहुत ही पतले हैं, साइड के बेजल्स तो पता ही नहीं चलता है क्योंकि कर्व डिस्प्ले, लुक्स ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड गुड क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी डिस्प्ले का।
2160 Hz PWM डिमिंग भी आता है, तो लो लाइट में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो आंखों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। डायमेंसिटी 9300 के बारे में मुझे बात करनी है, लेकिन क्विकली OS एक तो अच्छी बात है कि 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स वीवो ने प्रॉमिस किए हुए। फनटच OS 14 आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। हॉट गेम्स हॉट एप्स नहीं है, लेकिन जी हाँ थोड़े बहुत है एप्स जो नेटफ्लिक्स वगैरह ऐसी चीजें, ऐसे एप्स जो आप इस्तेमाल करते हो वो भी आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, बट हाँ उनका जो ऐप स्टोर है ना उसके नोटिफिकेशन दिन में आपको एक बार तो आएगा, ऊपर दिखते हैं नोटिफिकेशन, सो दैट इज देयर। वैसे एक चीज है, बहुत सारे AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है, बट बहुत सारे कस्टमाइजेशंस लॉक स्क्रीन के भी आप कर पाओगे, सो दैट इज डेफिनेटली देयर, उधर उन्होंने इंप्रूव किया हुआ है। और हाँ 16GB वर्चुअल रैम भी मिलती है, अगर 16 का वेरिएंट लिया आपने तो 12 का लिया तो 12 आपको मिलने वाली है। टोटल एप्स इंस्टॉल जो जब आउट ऑफ द बॉक्स आप निकालते हो तो कुछ 42 एप्स वगैरह, व्हिच इज डीसेंट। और वैसे फनटच OS 14 के बारे में iCademy वीडियो डाल रहा हूं, बहुत सारे नए फीचर्स भी आ गए, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, उसमें डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है। सबसे कैमरा के बाद में परफॉर्मेंस, डायमेंसिटी 9300 इसका जो अंतुतु स्कोर है अभी तक जो भी हमने स्मार्टफोन्स टेस्ट किए हुए सबसे ज्यादा आता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा इट इज अ बीस्ट दैट नीड्स टू बी टेम्ड, सही में मतलब एफिशिएंसी स्कोर्स है ही नहीं, सभी परफॉर्मेंस स्कोर्स है, भर भर के आपको परफॉर्मेंस देते हैं। एंड एक्चुअल जब आप गेमिंग करते हो, मतलब हमने आधे घंटे तक जेंशिंग इंपैक्ट इतना हैवी गेम खेला, कंटिन्यूअसली 59 FPS के ऊपर ही हमें फ्रेम रेट मिला, कभी भी ड्रॉप नहीं हुआ, सो दैट वाज देयर। थर्मल्स के मामले में 42-43 degrees तक गया, बट ऑन पेपर जब हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट किया दोस्तों, थ्रॉटल जरूर करता है, एक्चुअल प्रैक्टिकली जब हम यूज कर रहे हैं तभी हमें पता नहीं चला कि भाई थ्रॉटल हो रहा है। 5400 mAh की बैटरी है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, बड़ी बैटरी है, नॉर्मल यूसेज में दिन भर आपको जाएगा, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट हैवी यूसेज आप करोगे, गेमिंग वगैरह करोगे तो जूस निकाल लेता है वो, दैट इज फॉर श्योर। और अच्छी बात है दोस्तों इसमें 100W चार्जिंग का सपोर्ट है, 120W का चार्जर आता है, सरप्राइजिंगली वीवो X100 में 120W सपोर्ट करता है, सो दैट इज देयर, 120W अडैप्टर दोनों में ही मिलता है। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स हैं, डायमेंसिटी 9300 है जैसे मैंने बताया, इसका बेस वेरिएंट 12256 है एंड 16512 है, इसमें 16512 सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, which is good and that's why इतना अच्छा अंतुतु स्कोर आता है। 5400 mAh की बैटरी, 5000 mAh की बैटरी, 100W चार्जिंग, 120W चार्जिंग, 50W वायरलेस चार्जिंग आती है इसमें, yes 50W वायरलेस चार्जिंग, एंड दोनों में ही आपको IP68 का सर्टिफिकेशन मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस जैसे जेंशन इंपैक्ट के बारे में बोला, वैसे आपने अगर COD मोबाइल खेला 120 FPS जो BGMI है वो 90 FPS पे आप खेल पाओगे हाईएस्ट सेटिंग पे, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। हैप्टिक फीडबैक दोस्तों बहुत, 4D गेम वाइब्रेशन है तो हैप्टिक फीडबैक बहुत जबरदस्त मिलता है आपको, एंड सुपर रेजोल्यूशन है, मतलब 720p पे आप अगर खेल रहे हो गेम वो अपस्केल होगा 900p पे, सो यू विल गेट बेटर गेमिंग। और हाँ V3 चिपसेट जिसके बारे में बात किया, वो सिर्फ कैमरा में नहीं गेमिंग में भी फायदा होता है उसका, गेम इंटरपोलेशन होता है, मतलब दोस्तों MEMC जैसा ज्यादा स्मूथ गेमिंग मिलती है। मल्टीमीडिया ओ माय गॉड ग्रेट, इमर्सिव डिस्प्ले है, जबरदस्त वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है दोस्तों, एंड ऑडियो भी बहुत अच्छा है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं आपको, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, दे आर लाउड, मल्टीमीडिया के लिए दोनों ही फोन्स दोस्तों जबरदस्त है। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही मिलता है, फेस अनलॉक है, इवन IR ब्लास्टर भी है, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट ऑब्वियसली है, नेटफ्लिक्स HDR स्ट्रीमिंग वगैरह आप फुल HD पे स्ट्रीमिंग कर पाओगे, HDR कंटेंट भी देख पाओगे, हाँ डॉल्बी विजन नहीं है पर HDR कंटेंट इज देयर। कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, यहाँ 15 5G बैंड का सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई कॉलिंग, वो सब कुछ चीजें, वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC है। जी हाँ दोस्तों यही है वीवो X100 एंड X100 Pro। ये फोन आने से पहले जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्पेशली परफॉर्मेंस एंड कैमरा सबसे ज्यादा आई थिंक वो खरा उतरा है, उस वो जो एक्सपेक्टेशन थे मेरे हिसाब से जबरदस्त कैमरा है। वीडियोग्राफी में हाँ देयर माइट बी 1 or 2 फोन्स दैट माइट बी बेटर, बट फोटोग्राफी में मैं कहूंगा देयर इज नो बेटर फोन देन X100 Pro, especially telephoto and low light में, oh my god, that was very surprising. And then second surprising was Dimensity 9300 का performance, जबरदस्त performance है, especially GPU जो है जबरदस्त है, साथ में आपको एक extra chipset मिलती है, हाँ CPU throttle, थोड़े thermals के मामले में, क्योंकि like I said it's a beast, तो थोड़ा बहुत गर्म होता है, सब juice निकाल लेता है, तो वो चीजें हैं, but performance, battery, seriously very very good. That is what X100 Pro and X100 is. अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, एनीथिंग एल्स इसका डिटेल्ड कैमरा रिव्यू वगैरह चाहिए आपको तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।